सच बोले तो आते रहते हैं जॉब, ओनली संडे छोड़ के, एज दैट इज हॉलीडे, एवरी टाइम आते रहता है. बस हाँ, आपको ऑफ कोर्स आपको जॉब लेना है, आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है कि टीम्स चेक करना है, आपको मेल चेक करना है, उसके बाद आपको जस्ट अप्लाई तो करना है, जस्ट लिंक है क्लिक करना है, बस अप्लाई करना है. कुछ इन समरी टॉप थ्री थिंग्स जो आपको प्लेसमेंट के बारे में अच्छा लगा एट एडियोडा, व्हाट विल दैट बी? सबसे अच्छा लगेगा कि इधर 3 मंथ्स के बाद ही, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट करने के बाद कोर्स उसके बाद प्लेसमेंट के लिए होता है कि नहीं, ऐसा नहीं. आफ्टर 3 मंथ्स ही आप एलिजिबल हो जाती हो, ये सबसे अच्छा है. सेकेंड पार्ट इज लाइक, जैसे हमारा जो मेंटर थे 3 मंथ्स है, एवरीवन लाइक कॉल करके बताते थे कि इसने अपना अप्लाई किया, आप शॉर्टलिस्टेड हो. इवन हम लोग को एक्स्ट्रा लाइक कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं, कि वो हेल्प भी करते थे. हमारा जो इंटरव्यू आने वाला है, ये सजेस्ट करते थे ऐसा ऐसा, कि और जो हमारा मेंटर है उससे भी हम कनेक्ट हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि मेरा क्लासेस खत्म हो गया उसके बाद मैं अपने मेंटर से इंटरप्ट नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था. एंड आफ्टर दैट लाइक एवरी लाइक मतलब एडियो द रिमाइंडर देते थे कि आपने ये अप्लाई किया है, आपका ये सिलेक्शन हो गया है, एंड आप एलिजिबल हो, तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस ये होने वाला है. इवन मैं असेसमेंट क्लियर किया उसका भी मुझे मेल आता था. इवन एडियोदा से मुझे कॉल आता था कि आपने ये क्लियर किया तो नेक्स्ट राउंड आपका टेक्निकल राउंड होने, मतलब एवरी प्रोसेस से वो लोग हेल्प करते हैं एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं चला कि अपने क्या हुआ, जैसे हम लोग कुछ भी बाहर से एग्जाम देते हैं कि क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो आप अगर नहीं क्लियर कर पाए तो उसका आपको फीडबैक भी दिया जाता है कि ये रीजन है, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. आपको सपोज कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम था तो वो भी फीडबैक दिया जाता है. आपका थोड़ा सा टेक्निकल स्किल्स को और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए उसका भी, मतलब एवरी पॉइंट पे वो फीडबैक हम लोग का आता था, जिसमें मुझे समझ आता था कि मुझे ये इम्प्रूव करना चाहिए. तो ये बहुत अच्छा था प्रोसेसिंग. तो अगर मैं आपको जॉब्स के बारे में पूछूं, मतलब जॉब्स आते हैं कि बहुत कम रहते हैं, जॉब का मतलब पोस्टिंग कैसे होता है? सच बोलूँ तो आते रहते हैं जॉब, ओनली संडे छोड़ के, एज दैट इज हॉलीडे, एवरी टाइम आते रहता है. बस हाँ, आपको ऑफ कोर्स आपको जॉब लेना है, आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है कि टीम्स चेक करना है, आपको मेल चेक करना है, उसके बाद आपको जस्ट अप्लाई तो करना है, जस्ट लिंक है क्लिक करना है, बस अप्लाई करना है. तो वो बस आपको वो चीज आपको अपने खुद से करना है, बाकी सब एडियोदा टीम बाकी का देख लेते थे कि वो प्रोफाइल को असाइन करना है, एवरीथिंग वो लोग खुद करते हैं, आपको बस अप्लाई करना है. तो वो इजी प्रोसेस है एकदम, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बस खुद को थोड़ा उसके बाद एक्टिव रहना है, इतना ही है बस. तो अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, दैट सपोज जन्नत अभी आप रिवाइंड चलते हैं बैकग्राउंड में, जहां अभी तक आपने प्रोग्राम एडियोडा से नहीं किया है, तो आप खुद को ओके, क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि अभी आपने प्रोग्राम कर लिया है, 2 बार प्लेसमेंट भी हो गया है, तो आप खुद एग्जैक्टली. से बात कर रहे हैं, खुद को क्या एडवाइस देंगे अभी? मेरा तो सच बोलूँ तो दैट टाइम जैसा कंडीशन था, मेरे से कुछ नहीं होगा. मैं अगर आईटी फील्ड में चली जाऊँ तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जैसे कॉलेज से कुछ कुछ प्लेसमेंट होता था ना, मैं अप्लाई करते पहला राउंड में रिजेक्ट, सच बोलूँ तो एकदम पहला राउंड में असेसमेंट राउंड में मैं रिजेक्ट हो जाती थी. एंड इवन मैं बाहर से भी अप्लाई करती तो जैसे कि सीवी रिज्यूम ही अच्छा होना चाहिए, उसमें प्रोजेक्ट मेरा तो वो रिलेटेड ही नहीं था प्रोग्रामिंग की, जिसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ वो स्किल्स ही मेरे पास नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ऑफकोर्स मैं रिजेक्ट हो जाती. आफ्टर दैट जब से मैंने इडियोदा ज्वाइन किया, मैंने उधर से जो जो प्रोजेक्ट किया अप्लाई किया, स्किल्स को लिखा एवरीथिंग कि मुझे ये स्किल, उसके बाद मेरा सीवी भी शॉर्ट लिस्टेड होने लगा एंड एवरीथिंग मतलब स्मूथ चलने लगा. तब मुझे ऐसा नहीं कि लगता था कि मैं सिविल बैकग्राउंड से, ऐसा लगता था आईटी, अब मेरे पास स्किल्स है मैं कर सकती हूँ. अभी अगर मैं आपको पूछूं कि जन्नत आपको प्रोग्रामिंग कैसा लगता है? ऑफकोर्स आपको ग्रामीण अच्छा लगता है, अब सिविल ओके हार्ड ग्रेट, है, अब तो मैं सिविल में बैक नहीं जा सकती, अब मतलब ऐसा है अच्छा, अभी आप टेक टेक में प्रॉपर इनसाइड आ गए हैं। एकदम ठीक है, तो एग्जैक्टली. अब अभी हम फिनिश करने से पहले 3 लाइन्स है जो मैं आपको बोलूंगा कि आपको
मतलब बोलना है, मैं आपको बता दूंगा 3 लाइन्स क्या है, ठीक है? तो ओके पहला लाइन होगा प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सेकेंड लाइन रहेगा शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड थर्ड लाइन रहेगा सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ठीक है, तो ओवर टू यू जन। ओके ओके प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलराइट, तो विद दैट हम इस वीडियो को एंड करेंगे। एंड करने से पहले सबको एक बार बाय बाय बोल देते हैं। या बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।